وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. तारीफ उसल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो यको तन्हा इस कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है और इसका खात्मा करके जन्नत और जहन्नम के फैसले करने वाला है। और उसके बाद दुरूद व सलाम सबसे आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के इस खुतबा जुमा में एक उनवान जो आपके सामने जिस वक्त तक अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे रखना है वो है हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम। हमारे यहां एक माहौल है कि जैसे ही मुहर्रम के महीने का आगाज होता है या तो मुहर्रम के बारे में बातें, मुहर्रम के ताल्लुक से बातें होती हैं या वाकई करबला और हजरत हुसैन के ताल्लुक से बातें होती हैं। लेकिन इस मुहर्रम से जुड़ा हुआ एक अहम वाकया कि जिसका जिक्र अल्लाह के नबी ने किया और जिनकी सुन्नत में अल्लाह के नबी ने आशूरा का रोजा रखा और हमें रखने का हुक्म दिया वो जिंदगी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी। उसका बहुत कम तस्करा हमारे यहां पर किया जाता है और ऐसा मौका जब आए कि जिसका डायरेक्ट ताल्लुक किसी नबी से हो उस वाकये को याद करना चाहिए, उनकी जिंदगी से नसीहतें निकालना चाहिए। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए, मदीना में यहूदियों के कई कबीले रहा करते थे, बनु नजीर बनु कैनुका और भी कबीले वहां रहा करते थे। अल्लाह के ने जब नबी वहां पर आए, मुहर्रम का महीना आया तो आपने देखा कि यहूदी लोग 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, आशूरा के दिन का रोजा रखते हैं। आपने पूछा इसकी वजह क्या है, कहा आज वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा को फिरौन से निजात दिलाई थी, फिरौन को गर्क किया था तो हजरत मूसा इस दिन निजात पाए थे, इस खुशी में उन्होंने रोजा रखा, हम भी रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम तुमसे ज्यादा मूसा के हकदार हैं, हम तुमसे ज्यादा मूसा से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तुमसे ज्यादा मूसा की बातों को मानने वाले हैं। अगर उन्होंने रोजा रखा हम भी रखेंगे, पर चूंकि ये अमल तुम करते हो यहूदी करते हो इसलिए अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को कहा कि वो एक दिन रोजा रखते हैं, तुम दो दिन रोजा रखना, या तो 9-10 तारीख का रोजा और अगर छूट जाए तो 11 तारीख को शामिल कर लेना। यानी दो दिन का रोजा रखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो खुशी मनाई, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, तुम भी उसका शुक्रिया अदा करना। जिससे ये बात भी पता चलती है कि एक मोमिन को अल्लाह ताला जब भी कोई नेमत देता है, जब भी कोई इनाम देता है, अल्लाह ताला तुम्हारी कोई दुआ कबूल कर ले, अल्लाह ताला तुम्हें कोई नई नेमत अदा कर दे तो शुक्राने में इंसान को इबादत करना चाहिए। देखिए इस्लाम का क्या प्यारा तसव्वुर है कि यहां पर खुशी के नाम पर आपको आजाद नहीं छोड़ा गया कि आप चाहे जो करें, हराम करें हलाल करें, कुछ भी मुहरता करते रहें। इस्लाम कहता है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका है इबादत। 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, सबका खैरात कर लीजिए, इसके जरिए आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा कीजिए। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया कि अभी कुछ देर पहले फिरौन हमें मारने वाला था, अल्लाह तूने हमें निजात दी, अब अल्लाह के तेरे शुक्रिया के लिए हम रोजा रख रहे हैं। वही अमल अल्लाह के नबी ने किया और वही अमल करने का हमें हुक्म दिया, बाकायदा फजीलतें बताई, आशूरे के दिन की अहमियत को बताया। तो इस महीने के अंदर, इन दिनों के अंदर हजरत मूसा की जिंदगी को मुख्तसर से अंदाज में मैं के सामने रखना चाहता हूं।
हजरत मूसा एक नबी कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला ने जिनसे डायरेक्टली कलाम किया, डायरेक्टली बातचीत की, उन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करे, कुरान में तकरीबन 130 मरतबा नाम के साथ अल्लाह ताला ने मूसा 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 नाम के साथ उनका जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 25 सूरतों के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा किया है, कहीं डिटेल के अंदर, कहीं शॉर्ट के अंदर, कहीं लाइन दो लाइन के अंदर, पर बार बार अल्लाह ताला इस चीज को रिपीट करता है। और सिर्फ कुछ जिंदगियां ऐसी हैं जैसे हजरत इब्राहिम की जिंदगी, हजरत मूसा की जिंदगी, कि जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत ज्यादा रिपीट किया है, वरना कई अंबिया ऐसे कि एक बार जिक्र करके खत्म कर दिया, एक ही बार में वाकया बता दिया। पर इनका वाकया बार बार इसलिए बताया कि तुम उन जैसे मत बन जाना, उन जैसे अमल मत करना कि अल्लाह ने जब उन्हें आसानियां दी तो वो लोग नाशुक्र बन गए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि आपसे पहले जो अंबिया थे वो रहा करते थे फिलिस्तीन के अंदर। हजरत यूसुफ है, हजरत याकूब है। हजरत यूसुफ को जब भाइयों ने निकाला, पूरा उनका मामला हुआ, ये पहुंच गए मिस्र के अंदर, मिस्र के राजा और बादशाह बन गए, मिस्र के अंदर वहां पर हुकूमत कायम हो गई। लेकिन उससे पहले मिस्र वाले वहां रहा करते थे, बड़ी ताकतवर कौम, जवाबेरा की कौम वहां रहा करती थी, और उनके बादशाह को फिरौन कहा जाता था। फिरौन एक लकब होता था, जो बादशाह उसे फिरौन कहा जाता था। चलते 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 जब ये अंबिया का सिलसिला मिस्र पहुंचा, अब मिस्र के अंदर नबुवत का आगाज हुआ, हजरत यूसुफ वहां पर रहे, और आपके बाद की नस्लों के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। बाद की नस्लों को बनी इसराइल कहा जाता था, और मिस्र में रहने वाले पहले से ऑलरेडी मौजूद थे, और उनके बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस दौर के अंदर पैदा हुए वो दौर था वलीद बिन मुसीब का। वलीद को फिरौन कहा जाता था, उसका असल नाम था वलीद। अब इस दौर के अंदर फिरौन या उस जमाने का बादशाह वलीद एक ख्वाब देखता है कि बैतुल मुकद्दस से एक आग निकली और उसने मिस्र के सारे लोगों को खत्म कर दिया, सबको जला दिया, पूरे मिस्र के असल रहने वालों को खत्म कर दिया। उसने ताबीर पूछी, ये क्या मामला है? कहा, तुम्हारे यहां पर जो ये बनी इसराइल रहते हैं ना, बैतुल मुकद्दस से आए हुए लोग रहते हैं ना, इनमें एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत का खात्मा कर देगा। अब जब यह खबर वलीद तक आई, फिरौन तक आई, फिरौन ने इस बात को जाना तो उसने एक ऐलान कर दिया कि अब बनी इसराइल में जितने लड़के पैदा होंगे सबको ज़िबह कर दिया जाएगा, लड़कियों को छोड़ दिया जाएगा। जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत में इसी बात का तस्करा किया है कि तुम उस दौर को याद करो। अल्लाह कहता है, तुम इतनी सरकशी करते हो, नाफरमानी करते हो। यहां पर यह बात पता चली कि इंसान के अंदर अगर नाफरमानी का जज्बा आए तो उसे अपने पुराने हालात याद करना चाहिए। मैं कितना परेशान था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं तकलीफ के अंदर था, मेरे बाप दादा कितनी परेशानी उठाया करते थे, आज अल्लाह ने मुझे गाड़ी दी है, अल्लाह ने मुझे घर दिया है, अल्लाह ने मुझे कारोबार दिया है। अपने पुराने हालात को याद करने से इंसान फरमाबरदार बनता है। अल्लाह यही याद दिलाता है बनी इसराइल को, याद करो है बनी इसराइल कि जब मैंने तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई वो क्या कर रहा था, वो तुम्हारे लड़कों को ज़िबह कर रहा था, तुम्हारी लड़कियों को छोड़ रहा था, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब था, बहुत बड़ी बला थी, बहुत बड़ी परेशानी थी। याद करो और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा रहने का हक दिलाया। बहर के फिरौन ने ऐलान कर दिया कि जितने लड़के पैदा होंगे उन्हें मार दिया जाएगा, लड़कियों को छोड़ दिया जाएगा। बनी इसराइल ने आकर कहा कि अगर बादशाह आप सबको खत्म कर दोगे मसला हो जाएगा, हमारी तो नस्लें खत्म हो जाएगी। फिर उसने अपने दूरंदेशों को बुलाया, कहा क्या किया जाए, कहा ऐसा करो एक साल के बच्चे जो पैदा उन्हें मारो, एक साल वालों को छोड़ दो, इससे तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और इनकी नस्ल का मसला भी हल हो जाएगा। यह हुक्म नाफिज कर दिया गया। पर देखिए अल्लाह ताला जब इम्तिहान लेता है तो कैसा इम्तिहान, हजरत मूसा उस साल में पैदा हुए जिस साल के लड़कों को ज़िबह किया जाता था। अब जैसे ही माने बच्चे को पैदा किया, अल्लाह ताला तफसील के साथ कुरान में इन वाकयात को जिक्र करता है। खास तौर पर सूरह क़िसस के अंदर अल्लाह ने डिटेल के अंदर तकरीबन 8 पेज के अंदर हजरत मूसा का ये पूरा वाकया बताया है कि जब पैदा हुए मां डर गई, घबराहट में आ गई, क्या होगा, बच्चा पैदा हो गया है, अगर पता चल गया फिर मिस्र वालों को, ये आएंगे हमारे बच्चों को खत्म कर देंगे, ज़िबह कर देंगे, डर गई। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इनकी मां के दिल के अंदर ये बात डाली, उनको ये बात बताई कि अगर आपको अपने बच्चे का डर लग रहा है ना, उसे एक ताबूत के अंदर रखो और समंदर के अंदर छोड़ दो। ताबूत को ऐसा रखो समंदर के अंदर कि आप उसे वक्त पर ले भी सको, और अगर कोई मामला हो तो किसी को बता ना चले कि वहां पर एक बच्चा है। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई अमल करवाना चाहता है तो उसके लिए असबाब बनाता है, जरिए बनाता है।
माँ ने उनको डाला हिफाजत के लिए, बच्चा बहना शुरू हो गया, ताबूत बहना शुरू हो गया और बहते बहते कहां पहुंच गया, उस घर में कि जहां से फरमान दिया गया है कि लड़कों को जिबा कर दिया जाएगा, लड़कियों को छोड़ दिया जाएगा। अब उस घर में रहने वाली वो खातून कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि इस कायनात में सबसे अफजल जिन दो औरतों को बताया जिनके ईमान की अल्लाह ताला ने जमानत ली है, एक मरियम और एक आसिया, ये आसिया है फिरौन की बीवी। शौहर सरकश, शौहर दीन का दुश्मन, शौहर नबियों का दुश्मन, और बीवी दीनदार और दीन पर अमल करने वाली, दीन को मानने वाली, अकीदे को मानने वाली। उसके पास कोई औलाद नहीं थी, आसिया के पास कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही उनको पता चला कि ताबूत के अंदर एक बच्चा है, गुलामों ने लाकर दिया, कहा मैं इसे अपने पास रखूंगी। फिरौन ने आकर जैसे ही पता चला कि बनी इसराइल की औलाद है, किसी ने बचने के लिए इसे समंदर के अंदर डाला था, कहा मैं तो इसे मारूंगा। बीवी ने रिक्वेस्ट की कि आप इसे मत मारिए, हो सकता है ये हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, हो सकता है इसके जरिए हमें फायदा मिल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बचाने पर आता है तो आपको दुश्मन के घर में भी जिंदगी दे सकता है। मेरा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, वाकया सुनाना नहीं है। आप ये गौर करो, हालात पर गौर करो कि वक्ती तौर पर अगर आपको कोई दुश्मन दिख भी रहा है, आप उस पर अपना 100% लगा दो, हो सकता है यही दुश्मन आगे चलकर आपका दोस्त बन जाए। इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम का दोस्त बन जाए, इस्लाम की खिदमत करने वाला बन जाए। वरना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो अल्लाह के नबी को मारना चाहते थे, मुसलमानों को कत्ल करना चाहते थे, इस्लाम का नाम लेने वालों पर जुल्म ढाया करते थे, पर अल्लाह ने इस्लाम का ऐसा मुहाफिज बनाया कि उमर जब ईमान ले आए तो सहाबा कहते हैं कि उनसे पहले हमने कभी खुले में नमाज नहीं पढ़ी थी। जब उमर ईमान ले आए उन्होंने कहा चलो खुले में नमाज पढ़ेंगे, मैं देखता हूं कौन रोकेगा तुम्हें। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जब हुकूमत आई उसमें जितना दीन फैला, जितना दीन का गलबा हुआ, उसके बाद कभी ना हो पाया। ये उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम के दुश्मन और अल्लाह ताला ने दीन का काम लिया। अल्लाह ताला जब कोई अमल करना चाहता है तो अल्लाह ताला के अमल को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अपना 100% दो, ये मत सोचो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका नतीजा क्या होगा। अभी तो मुल्क के हालात बदले हुए हैं, ये दावत तबलीग कैसे कर सकते हो आप, दीन का काम कैसे कर सकते हो आप। याद रखो कि आज आपके सामने अगर कोई सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन नजर आ रहा है ना, हो सकता है अल्लाह ताला कल उसे दीन का मुहाफिज बना दे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे दे। इस बात का यकीन एक मोमिन को रखना चाहिए। अब घर के अंदर बड़ा होना, उसी घर के अंदर जिंदगी गुजारना। अब बच्चे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए मां की मोहब्बत को भी देख रहा है और हजरत मूसा की जिंदगी को भी देख रहा है। मूसा को बचाना भी है और मां के दिल को तसल्ली भी पहुंचाना है। अब मां बिना बच्चे के रह सकती है क्या? मां का गुजारा कैसे होगा, मां को सुकून कैसे आएगा? ताबूत में छोड़ तो दिया है पर मां चाहती है बच्चा वापस आ जाए। पीछे पीछे मूसा की बहन को भेजा कि जाकर देखना ताबूत कहां जाकर रुकता है, पता चला फिरौन के घर जाकर रुक गया है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि वह हरम ना, हमने हजरत मूसा पर हर दूध पिलाने वाली को हराम कर दिया, किसी का दूध ही नहीं पी रहा है बच्चा, परेशान घर वाले के दूध का इंतजाम कहां से किया जाए, ये तो दूध पी ही नहीं रहा है। बच्ची ने आकर बताया, हजरत मूसा की बहन ने आकर बताया कि सुनो मैं तुम्हें एक ऐसे घर वालों के बारे में बताऊं, एक ऐसी औरत के बारे में बताऊं कि उसका दूध ये जरूर पिएंगे, जरूर उनका दूध पी लेंगे, और ये दूध पिलाने वाली कौन? हजरत मूसा की वालिदा। अल्लाह ताला कहता है कि हमने उस मां के दिल को तसल्ली देने के लिए औलाद को दोबारा उनके पास पहुंचा दिया। अब हजरत मूसा दो घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं, मां के पास भी रहते हैं, दूध पीने के लिए आते हैं, बड़े हो रहे हैं वहां पर, और उसके साथ साथ फिरौन के घर में भी रह रहे हैं, दुश्मन के घर में भी रह रहे हैं, जिसे मिटाना है उसके घर के अंदर भी रह रहे हैं, दोनों जगह जिंदगी गुजार रहे हैं। जवान हुए, जवानी का आलम हुआ, आपने एक अचानक एक शख्स को देखा कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, दो लोगों की लड़ाई चल रही है, एक बनी इसराइल यानी इनके ग्रुप का आदमी और एक मिस्र वाला फिरौन के ग्रुप का आदमी। अब इनके ग्रुप वाला था, बनी इसराइल वाला जो था, उन्होंने कहा मूसा जरा मेरी मदद करो। देखिए मैं आयतों और हदीस की तफासिल में नहीं जा रहा हूं, मुख्तसर अंदाज में सिर्फ वाकई आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपके जहन में रहे और आपको इस आशूरे में कम से कम हजरत मूसा की जिंदगी याद रहे कि हजरत मूसा की जिंदगी क्या थी। उसने कहा मूसा मेरी मदद करो, मिस्र वाले के खिलाफ मेरी मदद करो। और हजरत मूसा का मामला ये कि बड़े जलाली भी थे, ये ताकतवर बहुत ज्यादा थे, इनके कई वाकयात हैं कि इनकी एक मार से इंसान खत्म हो जाए या एक मार से मामला खत्म हो जाए, ये बड़े जलाली भी थे। हजरत मूसा को कहा मूसा मेरी मदद करो, मिस्र वाले के खिलाफ मेरी मदद करो, मुझ पर जुल्म ढा रहा है। हजरत मूसा ने उसे एक हाथ मारा, वो आदमी खत्म हो गया, इंतकाली हो गया, मर गया वो आदमी। अब जब हजरत मूसा को यह अंदाजा हुआ कि जिसे मारा है वो मिस्र वाला है और अगर पता चल गया कानून के मुताबिक मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, हजरत मूसा के दिल के अंदर डर आ गया, खौफ आ गया, और इसी आलम में उन्होंने मिस्र को छोड़कर मदियन का रुख किया।
मदियन की तरफ चले गए। जवानी का आलम है, अपना शहर छोड़कर मदियन की तरफ। अभी तक नबुवत का कोई मामला नहीं है, अबू तक ना ऐलान नबुवत है, ना आपको नबी बनाया गया है, ना आपको दावत का हुक्म दिया गया है। इसी हालत में चले गए मदियन। अब सफर करते 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 हजरत मूसा एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि जहां पर लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, जरूरत का पानी भर रहे थे, पानी पिला रहे थे, पानी का अमल कर रहे थे। आपने देखा एक तरफ बहुत सारे आदमी और एक तरफ दो लड़कियां खड़ी हुई हैं, बड़ी घबराहट के अंदर, शर्मा के हया में खड़ी हुई हैं। आपने आकर पूछा तुम्हारा क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों खड़ी हुई हो, तुम पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। काम इंतजार कर रहे हैं इनके हटने का, ये सारे आदमी हट जाएं उसके बाद हम पानी भरेंगे। यहां पर आप देखो कि उस दौर में औरतों में गैरत कैसी पाई जाती थी। आज हमारे यहाँ औरतें शॉपिंग मॉल्स के अंदर, दुकानों के अंदर, शादी के अंदर, मैं कहता हूं कि ऐसे प्रोग्रामों का बायकॉट करो कि जहां पर औरतों मर्दों को एक साथ रखा जाता है। उस दौर में जाहिलियत का दौर है, पर औरतें इतनी बाहया हुआ करती थी कि जब तक मर्द यहां से हट ना जाए, चाहे जरूरत है, हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मर्दों के हटने का इंतजार कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत को देखा, कहा लाओ मैं तुम्हारे लिए पानी भरता हूं। पानी भरकर दिया। ये दोनों लड़कियां चलते हुए अपने बाप के पास पहुंची जो बड़े बुजुर्ग इंसान थे। आकर वाकया बताया कि एक ऐसा नौजवान है, उसने हमारी मदद की, हमें पानी लाकर दिया। कहा जाओ उसे बुलाकर लाओ। और अल्लाह ताला कुरान में बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करता है कि ये लड़की अस्तहिया, शर्माते हुए, घबराते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई। यहां पता चला कि एक लड़की को गैर महरिम से शर्माना चाहिए, बातचीत में शर्म आना चाहिए, बातचीत के अंदर लिहाज होना चाहिए। शर्माते हुए, घबराते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर कहती है चलिए मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं, मेरे अब्बा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अब्बा के पास लेकर गई। अब्बा ने इनसे सारा मामला पूछा। इन्होंने बताया कि मैं फला जगह से आया हूं, मैं मिस्र में था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कहा तुम बहुत अच्छे जालिमों से निकल गए हो, इन जालिमों से भाग गए हो, बहुत अच्छा काम हो गया है, अब क्या करना है। कहा तुम ऐसा करो कि मेरा एक काम कर दो। और बेटी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो सिफत बड़ी प्यारी बताई थी कि अब्बा इस नौजवान को ऐसा करो पानी का काम दे दो कि ये हमारे लिए पानी भरा करे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो खासियत है, ये कवि भी है, ये अमीन भी है। क्या है? एक तो ये ताकतवर है, पानी भर सकता है, पानी का बर्तन उठा सकता है, पानी लाकर दे सकता है। दूसरा, हमने इसके अंदर अमानत भी देखी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़कियों के लिए काम कर रहा है कि लड़कियों के लिए काम कर रहा है, ये अमानतदार है, ये अमानत में खयानत करने वाला नहीं है। यानी एक मर्द में दो खासियतें होना चाहिए कि वो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी होना चाहिए। उसके अंदर अमानत होना चाहिए, हलाल और हराम की तमीज होना चाहिए, सही गलत की तमीज होना चाहिए, उसके लिए क्या जायज है क्या नाजायज उसे पता होना चाहिए। ये बात जब बताई तो हजरत मूसा से उस वालिद ने कहा कि ऐसा करो कि मैं तुम्हारे इस काम का एक बदला तुम्हें देता हूं। कहा क्या बदला? कहा तुम 8 साल हमारा ये काम करो, मैं अपनी एक बेटी से तुम्हारा निकाह कर देता हूं, मतलब ये मेहर हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं देना है, बस शादी के बदले 8 साल हमारी खिदमत करना पड़ेगी, 8 साल हमारा काम करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि मेहर में कुछ भी लिया दिया जा सकता है। मेहर जरूरी नहीं कि पैसा ही देना है, सोना भी देना है, किसी भी चीज को इंसान अपनी मेहर बना सकता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया, 8 साल तक मुद्दत भी आपने पूरी की, उसके बाद आप अपनी बीवी को लेकर चले दोबारा कहां? मिस्र की तरफ। अब वापस अपने घर की तरफ चल रहे, क्योंकि यहां पर अब अल्लाह आपसे काम लेने वाला था, अल्लाह आपको नबी बनाने वाला था। अब लेकर जब आप चले कोहे तूर के करीब आए तो आपको एक आग नजर आई, क्योंकि वहां पर अल्लाह आपसे कलाम करने वाला था। आपने बीवी से कहा यहां रुको, इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग नजर आ रही है, शायद कि तुम्हारे लिए वहां से मैं कुछ लेकर आ जाऊं, कोई मुसाफिर हो, कोई लोग हो, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं, जा यहां रुको। हजरत मूसा वहां तक गए, चप्पल जूता जो भी इस्तेमाल होता था वो पहने थे। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ कि इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुआ, आप मुकद्दस वादी तुआ में हो, अपने जूते को फखला नालाई, अपने जूते उतारो और आओ। तब वहां पर अल्लाह ताला ने आपसे कलाम किया, आपको बताया कि मैं आपको नबी बना रहा हूं, आपको नबूवत दी जा रही है। अब आपको कहां जाना है? और यह भी बड़ी प्यारी चीज पता चलती है कि फिरौन था सरकश, फिरौन था जालिम, फिरौन था बड़े बड़े दावे करने वाला, पर अल्लाह ताला उसको कह रहा है, अल्लाह ताला हजरत मूसा को ये बात बता रहा है कि इधबा इला फिरौन इन्नहु तगा,
कि जब आपने कहा कि जाओ फिरौन को दावत देना, हज़रत मूसा को डर लगा, अरे आ फिरौन के पास मुझे अल्लाह ताला भेजना है, फिरौन तो बड़ा जालिम है, बड़ा सरकश है। तो आपने अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी कि अल्लाह ताला इजअली वजीरम मिन अहली, अल्लाह ताला मेरे घर से एक वजीर मुझे दे दे, मेरे घर से एक और को नबुवत दे दे। आपकी सिफारिश पर अल्लाह ने हजरत हारून को नबी बना दिया, आपके भाई को नबी बना दिया। अब जब ये दोनों नबी हो गए तब आपने इनसे कहा कि इज़हबा इला फिरौन, अब जाओ तुम फिरौन के पास। और एक बड़ा प्यारा जुमला अल्लाह कुरान में कहता है कि कूला लहू कौलन लय्यिना, उससे नरमी वाली बात करना। अल्लाह अकबर, यहां तो बाप से नरमी नहीं, मां से नरमी नहीं, बड़े भाइयों से नरमी नहीं, वहां अल्लाह कह रहा है कि जालिम के पास जा रहे हो, सरकश के पास जा रहे हो, अपने आप को अल्लाह कहने वाले के पास जा रहे हो, पर बात नरमी से करना, सख्त बात मत करना। दावत में कभी भी सख्ती नहीं चलती है, दावत का अंदाज नर्म होना चाहिए, दावत में अखलाक होना चाहिए। बिना अखलाक के आपकी दावत किसी काम की नहीं। हमारे यहां बहुत सारे ऐसी दावत देते हैं, तुम मुहर्रम का खिचड़ा बनाते हो, तुम तो कुफ्र करते हो, बिदत करते हो, शिर्क करते हो, हम तुमसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे। दावत में नरमी होना लाजिम है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा कि नरमी से बात करना। अब आए हजरत मूसा दावत देने के लिए, फिरौन के पास आए, अब सारी सजाएं याद आ गई। अब फिरौन ने जैसे ही देखा कि मूसा मुझे दावत देने का काम कर रहे हैं, पहले तो उसे याद दिलाया कि तू क्या करके गया था यहां से, क्या बोलता है, तुम्हें याद नहीं, तुम यहां से एक आदमी को कत्ल करके गए थे, यहां से भाग कर गए थे, तुमने ये अमल किया वो अमल किया, सब याद दिलाया। अब अल्लाह के नबी हजरत मूसा इसके नतीजे में बता रहे हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, अल्लाह ने मुझे हुक्म देकर भेजा है, अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ताला ने मुझे दावत देने के लिए भेजा है। फिरौन मजाक उड़ा रहा है, फिरौन मजाक उड़ा रहा है, अपने वजीर हामान से कहता है कि मेरे लिए जरा एक सीढ़ी बनाना, लाल ले अब लोगों अजबाब, जरा सीढ़ी से चढ़कर देखता हूं इसका खुदा कौन सा है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिम। इससे पता चलता है कि जो जालिम होता है ना उसकी बातें कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी लेवल पर बोल सकता है। जैसे हमारे यहाँ के जालिम बोलते हैं ना, हम तो खत्म कर देंगे, हम तो मिटा देंगे, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, दस्तूर बदल जाएगा, जो चाहे बोले, क्योंकि जालिम की कोई लिमिट नहीं होती, जालिम कुछ भी बोल सकता है। अब उस जालिम ने कहा अपने वजीर से मजाक बनाने के लिए कि जरा सीढ़ी बना, चल जरा चलकर देखते हैं कौन है मूसा का अल्लाह, देखकर आते हैं। और अपोजिट में कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं, मैं हूं मालिक, मैं हूं दुनिया बनाने वाला, मैं हूं कारसाज, मैं हूं करने वाला, कौन है तुम्हारा रब। अब जब ये सब चीजें देख ली हजरत मूसा ने, तो अल्लाह ताला ने आपको तो मौजजात दिए थे, एक बगल में हाथ डालकर निकालते थे आपका लाइट की तरह हाथ चमकने लग जाता था, और दूसरा अपनी छड़ी को जमीन पर डालते थे वो अजदहा बन जाती थी। आपने दो मौजजात दिखाए। मुजज़ा देखने के बाद फिरौन कहता है कि ये सब तो जादू बता रहे हो तुम। अच्छा जादू बता रहे हो ना, कहा चलो, कहा मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तुझे दावत दे रहा हूं, नहीं मान रहा है कोई बात नहीं, बस मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे, मैं तो बस बनी इसराइल को लेने आया हूं, तू उन्हें ज़िबा कर रहा है, मैं बनी इसराइल को लेकर यहां से चला जाऊंगा फलस्तीन के दारा। कहा पहले तो यहां पर एक मुनाजरा होगा। अब उसने कहा कि जाओ ऐलान करवाओ, सारे जादूगरों को बुलाओ, जितने जादू जानने वाले उन्हें बुलाओ, अब हजरत मूसा के साथ एक मुनाजरा किया जाएगा। जादूगरों को जमा कर लिया गया, हजरत मूसा को जमा कर लिया गया, मुनाजरे का वक्त भी तय हो गया। अब उस वक्त ये जादूगर फिरौन से एक बात कहते हैं कि इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। फिरौन एक बात तो बता, बादशाह सलामत एक बात तो बताओ, अगर हम मूसा से जीत गए तो बदला दोगे ना, अरे माल मिलेगा ना, बदला मिलेगा ना। कहता है नाम वइन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, बरे बदला बदला तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा इनाम ये कि मैं तुम्हें अपने खास लोगों में से बना लूंगा, स्पेशल गेस्ट बना लूंगा, बादशाह के खास लोगों में से तुम्हें बना लिया जाएगा। अपना पहले क्लियर कर लिया कि हाँ बदला मिलेगा, कहाँ हाँ मिलेगा। अब सोचिए आप, कुछ लम्हों पहले वो दुनिया मांग रहे थे, माल मांग रहे थे, दौलत मांग रहे थे, अब हजरत मूसा से कहा क्या करना है दिखाओ, तो हजरत मूसा ने कहा कि पहले तुम दिखाओ, जो तुम्हारे हाथ में तुम दिखाओ। इससे पता चलता है कि जब कभी बहस और मुनाजरे की बात आए ना, पहले मुकाबिल को बोलने देना चाहिए, जो आपसे बात करने आया है ना, पहले उसे बोल लेने दो, उसे दलीलें रखने लेने दो। ज्यादा बोलने से आप ही का नुकसान होगा। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, उन्हें लगता मैं ही सब जानता हूं, वही ज्यादा बात करते हैं। पहले बात मत करो, पहले बात सुनो। हजरत मूसा ने कहा लाओ जो तुम्हारे पास है वो दिखाओ। उन्होंने जितनी अपनी लकड़ियों को डाला वो सारे अजदहे बन गए, सारे सांप बन गए, हजरत मूसा के करीब आने लगे। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है बाहू जैसा फी नफ्से ही खीफा, हजरत मूसा ने अपने दिल में डर महसूस किया, वो डर गए। अल्लाह ने वही की कि तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है ना उसे फेंको जरा। हजरत मूसा ने जैसे ही फेंका वो एक अजदहा बन गया और उनके सारे सांप को खा गया। अब ये सांप को खाना, अजदहा बनना, आम आदमी को जादू लग रहा था,
लेकिन जो खुद जादूगर है, जादू करने वाला है, उसे तो पता है ना कि जादू है क्या है। जैसे ही जादूगरों ने देखा कि ये जादू नहीं है, ये कुछ और चल रहा है, सारे के सारे सजदे में गिर गए। फसजदू, अल्लाह कुरान में कहता है सारे सजदे में गिर गए, और एक साथ कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन और रब्बी मूसा व हारून, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, हम ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। अब देखिए, जालिम चाहता था जिनके जरिए आपको मिटाना, अल्लाह ने उन्हीं को दीन का मुहाफिज बना दिया। यकीन रखो, बस ईमान रखो, बस जो आपको मिटाने जादूगर आए थे, हजरत मूसा का सपोर्टर बना दिया। अब जैसे ही ये देखा, जो सरकश होता है ना, जो जालिम होता है ना, वो जल्दी मानता नहीं है, वो कहता है इन हादा लमाकर, ये तो एक मकर है, एक प्लानिंग जो तुम आपस में करके आए हो। जादूगरों से बोला लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, सूली चढ़ा दूंगा। लेकिन जब अंदर में ईमान आ जाता है ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ इतना कहा फकजीवान तकास, जो करना है कर, जो बिगाड़ना है बिगाड़। और अल्लाह से कह रहे हैं रब बना, ए हमारे रब हमें सब्र की ताकत दे, व तवफना मुस्लिमीन, और अल्लाह हमारी जब भी मौत आए इस्लाम पर मौत आना चाहिए, ये ईमान होता है। हमारे यहाँ कई लोग 80 साल के बूढ़े आ जाते हैं, उनके अंदर ईमान नहीं आ पाता है। 40 साल के हो जाते हैं, ईमान नहीं आ पाता है। 50 साल के हो जाते हैं, ईमान नहीं आ पाता है, और वहां पर मिनटों में ईमान आ रहा है। अभी कह रहे हैं माल क्या दोगे, दौलत क्या दोगे, और जब सच्चाई पता चली, कहा जो करना है कर, तू इस दुनिया से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मारना है मार दे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये जब मारेगा ना, तू हमें सब्र की ताकत देना। भाई मौत के वक्त डर तो लगेगा, तकलीफ तो होगी, परेशानी तो होगी, दर्द तो होगा, ए अल्लाह तुझसे कुछ नहीं, ये नहीं कहा कि अल्लाह हमें बचा लेना, कहा अल्लाह ताला हमें सब्र की ताकत देना, और अल्लाह मौत ईमान की हालत में देना, मौत इस्लाम की हालत में देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा खात्मा गैर इस्लाम पर हो जाए। अब जब ये सारा मामला देखा, हजरत मूसा लेकर निकलने लगे, जब ये सारा मामला क्लियर हो गया, हजरत मूसा ही नहीं लेकर निकलने लगे, दरबारियों ने आकर कहा फिरौन जाने मत दो, अगर ये यहां से निकल गए बहुत बुरे हालात बन जाएंगे, तुम बदनाम हो जाओगे। आसपास वाले हवारियों ने आकर समझाया, और इससे यह भी पता चलता है कि गलत दोस्त खुद तो मरते हैं, साथ में आपको भी मरवाते हैं। कभी भी ध्यान मत दो, गलत लोगों का साथ मत दो। क्यों? फिरौन तो आराम से अपने अपने महल के अंदर था, उसे मारने के लिए कौन लेकर गए मैदान तक? यही हवारी मवारी साथ वाले, जैसे हमारे यहां है ना, सिगरेट पिलवाते हैं साथ में, तंबाकू खिलाते हैं साथ में, केस होता है एक पर पूरे ग्रुप को केस करवा देते हैं, जेल डलवा देते हैं। गलत दोस्त हमेशा आपका नुकसान करवाता है। ये वाकया इस बात में हमें ये भी पता चला, हजरत मूसा के साथ जब वो जाने लगे, पीछे से फिरौन का कहा कि चलो लश्कर तैयार करो, उन्हें जाकर मिटाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि फिरौन क्या है। इधर हजरत मूसा जा रहे हैं, उधर फिरौन पीछे पीछे आ रहा है। एंड ये होता है कि समंदर तक पहुंच गए। अब आगे समंदर, पीछे फिरौन। सारे बनी इसराइल ने कहा कि सुनो मूसा अलैहिस्सलाम, सुनो, हम तुमसे पहले भी अजाब में थे और तुम्हारे बाद में भी अजाब में, पहले तो अजाब चल ही रहा था, मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, अब ये तुम क्या मुसीबत लेकर आ गए, फिर मारे जा रहे हैं, पीछे से फिरौन आ गया, आगे समंदर आ गया है। हजरत मूसा ने उस वक्त कहा कि इन्ना मई रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, टेंशन मत करो, मेरा रब है, रब पर मुझे यकीन है। यहां पर हजरत मूसा ने बताया कि तवक्कुल का लेवल कितना हाई होना चाहिए, कि चाहे मौत सामने खड़ी हो तब भी मोमिन कहे मुझे मेरे रब पर यकीन है, वो है मौत और जिंदगी का देने वाला, वो है रास्ते बनाने वाला। और हजरत मूसा को इतना यकीन था कि मेरा रब इतनी ताकत रखता है कि जहां रास्ते बंद होते हैं वहां से वो रास्ते शुरू करता है। सामने समंदर, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है ना, मारो जरा समंदर पर। समंदर पर छड़ी मारी, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। जैसा कि अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर कहता है ना कि अगर तुम अल्लाह ताला से डरोगे, अल्लाह क्या करेगा, यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रोजी वहां से देगा जहां से तुम सोच नहीं सकते, नए नए रास्ते बनाएगा अल्लाह, अल्लाह नए रास्ते बनाता है। अब उस रास्ते से जब मूसा गुजरने लगे, फिरौनियों ने कहा कि चलो ये गुजर रहे हैं, हमें भी गुजर जाना चाहिए, चलो इनके पीछे चलते हैं। हजरत मूसा अपने साथियों के साथ गुजरे, फिरौन जैसे ही समंदर के रास्ते पर आया, अल्लाह ने गर्काब कर दिया, खत्म कर दिया। आखिरी वक्त में उसने कहा भी कि मैं ईमान का सोचता हूं, ईमान लाना चाहता हूं। हजरत जिब्रील ने उसके मुंह में मिट्टी डाल दी ताकि अल्लाह कहीं से माफ ना कर दे, अल्लाह ने उसे इबरत बना दिया। आज भी उसकी लाश उसी तरीके से मौजूद है, लोग उसे देखकर अपने लिए इबरत मानते हैं। वो मूसा जिसे मिटाना चाहते थे उनका जिक्र बाकी है, वो फिरौन जो मिटाने आया था अल्लाह ने उसे एक ऐसी इबरत बना दिया कि जिसको देखकर पता चलता है कि कभी गुरूर नहीं करना, कभी तकब्बुर नहीं करना। अगर अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, माल दिया है, घर दिया है, बंगला दिया है, कुछ भी दिया है,
उस पर कभी तकब्बुर मत करो। देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। वो जब तक चाहे दे, जब चाहे ले ले। हर चीज, हर ताकत, हर कुव्वत, हर इख्तियार, हर गलबा अल्लाह के हाथ में है। इसलिए जब अल्लाह कुछ देना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। गाड़ी अल्लाह तेरा शुक्र है, घर अल्लाह तेरा शुक्र है, जिस्म अल्लाह तेरा शुक्र है। तू चाहे चलाए, तू चाहे रोक दे। इस वाक्य से हमें बहुत सारी वैसे तो नसीहतें मिलती हैं, पर चूंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है, इस वाक्य को यहीं पर रखकर हजरत मूसा को जब अल्लाह ने निजात दी, आपने शुक्राने में रोजा रखा। हमें भी आशूरा का रोजा उसके साथ एक रोजे में रखना चाहिए, और जब भी अल्लाह कोई नेमत दे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़े ही मुख्तसर अंदाज में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला इस वाक्य को समझकर हजरत मूसा की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत मूसा से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत मूसा जैसा ईमान, तवक्कुल और भरोसा हमारे दिलों में पैदा करे। और अल्लाह ताला उन जादूगरों को जिन्हों ईमान लाए थे, अल्लाह ताला हमारे अंदर बहादुरी और शुजात पैदा कर दे कि हम जालिम के सामने बोल पाए, जालिम के सामने खड़े हो पाए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो तकालीफ और परेशानियों में, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी निजात का जरिया बना दे। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा दे। अल्लाह ताला अज़ाबे क़ब्र, अज़ाबे जहन्नम से निजात अता फरमा दे। ए अल्लाह जो परेशान है उनको परेशानियों से निकाल दे। अल्लाह जो कर्जों में डूबे हैं, कर्ज की अदायगी की राहें खोल दे। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफायाबी अता फरमा दे। ए अल्लाह जैसे तूने हमें इस दुनिया के अंदर ईमान के साथ रखा है, खात्मा भी ईमान पर करना और हमें कयामत के दिन ईमान पर उठाना। ए अल्लाह जो हमारी जायज तमन्नाएं आरजुएं हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने कबूल फरमा लेना। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।